हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है, जिससे हमारे ज़रूरी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आप समय और पैसे दोनों की बचत कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर पॉलीथीन को लेकर के बहुत ही अच्छा जुगाड़ बताऊंगी, जिससे आपके मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। दो तरीके बताऊंगी, जैसा भी अभी आपको पसंद आए आप वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे लिए मैंने एक पॉलीथीन नॉर्मल वाली, जिससे मार्केट जिससे जो भी चीज़ें हम लोग लाते हैं मैंने उसी पॉलीथीन का यूज़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दो ग्लास पानी डाला है। अच्छा, ऐसा कभी होता है ना कि हम लोग मार्केट वगैरह से कुछ लाते हैं या फिर कहीं सफ़र में जाते हैं तो पॉलीथीन में इस तरह से लिक्विड की चीज़ें रखते हैं, कभी जूस या रसेदार सब्ज़ी या ऑयल वगैरह कुछ भी इस तरह से पॉलीथीन में कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाती है रखते हैं तो इस तरह की गांठ लगाती है। तो आपने देखा होगा उससे तेल या सब्ज़ी का रसा निकलने लगता है, जिससे और भी अदर चीज़ें मैसी हो जाती है, पॉलीथीन भी मैसी। तो आप ध्यान से देखिए, इस तरह से जब आप गांठ को लगाएंगी ना तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, आपको अंगूठे की तरफ से अंदर की तरफ पॉलीथीन निकालना, साइड दूसरी तरफ से भी उंगली में अंदर तरफ से पॉलीथीन की इस तरह से निकाल लेना। ये देखिए, इस तरीके से जब आप गांठ को लगाएंगी ना तो ये बहुत ही फिक्स गांठ लगती है। आप इसमें लिक्विड वाली कोई भी चीज़ सफ़र में ले जा रही होंगी ना तो वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। चलिए आपको दिखा रही हूँ, मैं पहला आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी भर के इसीलिए दिखाया है कि देखिए बिल्कुल भी लीक नहीं कर रहा है। बहुत ही आसान तरीके से आप गांठ को लगा सकती हैं और सेफ्टी इसको सफ़र में ले जा सकती हैं। चलिए आपके साथ दूसरा आइडिया भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने पॉलीथीन के गांठ को खोल दिया है। अब आपको क्या करना है, बीच वाले पोर्शन होता है ना पॉलीथीन का, आपको पहले गांठ लगानी है हल्की सी, उसके बाद बीच वाले पोर्शन को आपको एक साइड कर देना है। दोनों साइड एक साइड करने के बाद आपको क्या करना है, किसी की हेल्प ले लीजिए। इस तरह से दोनों पॉलीथीन का जो बीच वाला पोर्शन है पकड़ लिया, उसके बाद फिर से एक गांठ लगानी है और जो पोर्शन आपने दूसरे को पकड़ाया उसको उसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में करके फिर से आपको एक गांठ लगा देनी है। आप डबल गांठ भी लगा दें, इससे क्या होगा, बिल्कुल ये पूरी तरह से लॉक हो गया है। इतने अच्छे से लॉक होता है, आप चाहे इसको जैसे भी ले जाएँ, अलट पलट कर जैसे भी आप अपने बैग में रख के ले जाएँ, कोई भी चीज़ लिक्विड वाली तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, बिल्कुल सेफ रखी रहेगी। तो ये देखिए बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। तो इस तरह से जब आप गांठ लगाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए लाइट चली गई, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल टिप है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर आलू को लेकर के है। तो होता है ना, हम लोग जब आलू लेकर के आते हैं आपने देखा होगा कुछ समय बाद ही इसमें जड़ निकल आती है या फिर आलू अजीब सी ख़राब होने लगती है। बरसात का मौसम चल रहा है तो आलू बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में आलू को लेकर के आई हैं तो बहुत ही जुगाड़ू आइडिया बताऊँगी। या आप कहीं सफ़र में घूमने गए हैं 6-7 दिन के लिए, आप सोच रहे हैं कहीं आलू ख़राब ना हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है लहसुन की कुछ कलियां। यहाँ पे मैंने 8 से 10 कलियां और एक छोटा सा लहसुन मैंने इसी के अंदर डाल लिया। अच्छा, लहसुन की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से आलू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आलू में नमी ना आए इससे वजह से भी आलू ख़राब ना हो। तो इसके लिए आपको लेना है न्यूज़पेपर, थोड़ा सा टुकड़ा न्यूज़पेपर कर लीजिए, इस तरह से फोल्ड बना लीजिए, मतलब गोला कर लीजिए और आलू के अंदर डाल दीजिए। यहाँ पे करीबन 2 किलो आलू है तो मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी एयर है उसको निकाल लीजिए और टाइटली आपको इस तरह से गांठ लगा देनी है। और ऊपर से इस तरह से गांठ लगाने के बाद आप इसको कहीं भी उठाकर रख दीजिए। अगर आप सफ़र में जा रही हैं तो आप इसको 4-5 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिए, बिल्कुल भी आलू आपकी ख़राब नहीं होगी और ये बिल्कुल भी सड़ेगी भी नहीं। तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे, इस तरह से कोई भी एक छोटी बॉटल ले लीजिए और बॉटल का नीचे वाला जो पार्ट होता है ना आपको उसी को कट कर लेना है। बहुत ही ईजी तरीके से कट हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। उसके बाद आप इसको ज़रा बराबर कर लीजिएगा, अगर ऊंचा नीचा हो तो आप आराम से इसको कैंची की हेल्प से बराबर कर लीजिए, बस ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। ये बन करके तैयार है, या तो कोई छोटी बॉटल हो आप उसका भी यूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिए मैंने नेपथ्रिन की गोलियाँ, जो फिनाइल की गोली होती है, एक लेनी, इससे भी कम ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, इसको क्रश कर लेना, बल्कि हल्का सा दरदरा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा लिया है क्रश करके और आधा उठा करके रख दिया। इसको आप कुटने की हेल्प से थोड़ा सा दरदरा कर लें, यहाँ पे किसी भी मिक्सी की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से आराम से कच्ची कटोरी में हो जाएगी। उसके बाद आपको ले लेना है 2 कपूर, जिसकी पूजा वगैरह हम लोग करते हैं कपूर की, यहाँ पे 2 कपूर की गोलियाँ आपको लेनी है। इसको भी आपको क्रश कर लेना है, यहाँ पे कोई भी महीन पाउडर इसका नहीं बनाना है। अच्छा, कुटने की हेल्प से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कर पाएंगे।
और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे जिससे बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। यहाँ पे ले लिया मैंने बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बेकिंग पाउडर का यूज़ ना करिएगा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा का ही यूज़ करिएगा। एक चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लेना आपको टेलकम पाउडर, कोई भी यूज़ करती हैं आप ले लीजिए, मैं यहाँ पे पाउंड्स का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे इसको ले लीजिए, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हम लोग डाल रहे हैं ना बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगी और सारी समस्या हम लोग की दूर हो जाएगी। आप चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा कटोरी में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हम लोगों का सॉल्यूशन बनकर के तैयार है आपको उसी छोटी सी कटोरी में, मतलब जो हम लोगों ने कट करी है ना बॉटल को, आपको उसमें इंसर्ट कर देना है। ये देखिए बनकर के तैयार है पूरी तरह से। अब आपको एक काम और करना है, यहाँ पे ले लेना है फॉइल पेपर। अगर आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर लिया है, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आपके पास छोटी सी बॉटल हो ढक्कन वाली कैप वाली तो आप वहाँ पे इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉइल पेपर पर आपको कुछ होल कर देने हैं, करीबन 5 से 6 होल कर दीजिए, बहुत बड़े होल नहीं करिएगा। अच्छा, इससे क्या होगी, इसकी खुशबू निकलती रहेगी, जितनी भी खुशबू निकलती रहेगी वो पूरे स्मेल आपके बाथरूम में फैलती रहेगी। तो यहाँ पे होल करने के बाद आप इसको और सिक्योर कर दीजिए ताकि जो फॉइल पेपर है बिल्कुल भी ना निकले। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी रबड़ बैंड या रस्सी कुछ भी हो आपके पास, इसको सेफ कर दीजिए ताकि ये बिल्कुल भी बाहर मतलब फॉइल पेपर ना निकले। इसका यूज़ हम लोग अपने टॉयलेट में करेंगे, आप बाथरूम में भी कर सकती हैं। आप इसको फ्लैश टैंक के ऊपर रख दीजिए या जहाँ भी टॉयलेट में आपको सही जगह लगती है आप इसको रख दीजिए। इसको रखने से क्या होगा, एक भीनी भीनी खुशबू निकलती रहेगी, मक्खी मच्छर आपके टॉयलेट में जो हो जाते हैं, छोटे छोटे भुनगे हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं जो हम लोग की बॉडी से टच होते हैं, तो वो देखेंगे पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। अच्छा, इसके रखने से आपने देखा होगा हम लोग टॉयलेट वगैरह अच्छे से क्लीन करते हैं तब भी अजीब सी स्मेल आती रहती है। हम लोग सोचते हैं क्या टॉयलेट अच्छे से क्लीन नहीं हुआ जिसकी वजह से अजीब सी स्मेल या बदबू आ रही है, तो हम लोग फिर से टॉयलेट को साफ करते हैं। लेकिन आप इसको जब रखेंगे ना तो आपका टॉयलेट हमेशा क्लीन भी रहेगा और एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू भी आती रहेगी, बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो बहुत ही यूजफुल टिप है, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी, यहाँ पर इस तरह से कान की इयररिंग होती है ना, हम लोग कहीं पहन के जानते हैं आर्टिफिशियल वगैरह कुछ भी, तो आपने देखा होगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग पेच लगाकर पहनते हैं तो इयररिंग हम लोग की स्किन से टच होती है तो वहाँ पर रैशेस हो जाते हैं, कभी कभी खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम लोग उसको ज़्यादा देर नहीं पहन पाते हैं। बहुत से लोग थे जो गोल्ड की इयररिंग होती है उसको भी नहीं पहन पाते हैं, थोड़ी देर भी हम लोग आर्टिफिशियल इयररिंग पहन के जाते हैं तो क्या होता है, इचिंग होने लगती है। तो ये इचिंग ना हो तो आप एक काम करिए, जाने से कुछ समय पहले आपको यहाँ पर ले लेना है नेल पेंट, तो आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कलरफुल भी है तो आप इस तरह से लगाइएगा कि वो बाहर ना दिखे। आपको थोड़ी सी मोटी कोटिंग करना है, मतलब जहाँ से हम लोगों की स्किन इयररिंग से टच होती है आपको वहीं पे अच्छे से लगा देना है। अच्छा, इससे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी मोटी लेयर, इससे क्या होगा बिल्कुल भी आपके कान से स्किन से टच नहीं होगा, जिसकी वजह से जो हम लोग का रैशेस होता था, जो खुजली वगैरह होता था, 1-2 घंटे भी हम लोग आर्टिफिशियल इयररिंग नहीं पहन पाते थे, आप इसको बहुत ही आराम से पहन पाएंगे। आप इसको 10 मिनट के लिए ड्राई होने दीजिए, 10 मिनट बाद आप इसका यूज़ करेंगी तो आप देखेंगी कहीं भी पहन के जाएंगी तो आप 4 से 5 घंटे आराम से पहन पाएंगे, आपकी स्किन पर कोई भी रैशेस वगैरह नहीं पड़ेगी, कोई भी खुजली नहीं होगी। अगर आपकी इयररिंग थोड़ी सी नग वाली या मोती वगैरह लगे हैं तो वो ना निकले, इनको अच्छे से फिक्स करना हो तो आपको ऊपर एक कोटिंग कर देनी है। कोटिंग करने से क्या होगा, ये लॉक हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई नग या मोती इयररिंग से नहीं निकलेंगे। ये भी बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, तो आप इस टिप को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय।